और मैं अपनी बात ताली बजाने का नहीं। आज सुबह से जिन घरों ने पप्पू यादव को जान मारने की कोशिश की और जिन घर को कल एक नेता 5 साल के बाद यहाँ आया, उन्होंने जब वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने यह कहा था कि भ्रष्टाचारियों को फांसी होनी चाहिए, सजा नहीं। वो अखबार की कटिंग ताली मत हो जाएगी, वो अखबार की कटिंग मैंने आपको भेजा। जब लालू यादव जी को सजा हुआ था, पहला शख्सियत था पप्पू यादव जिसने कहा था उनकी उम्र और एक व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। 1990 के पहले से लेकर के विपक्ष के नेता की बारी आई थी, अकेला पप्पू यादव नवल किशोर ऋषि देव कुमार के विधायक को लेकर के रवि बाबू जिंदा है, पूछ लीजिए उनके घर पर। एक विधायक से हमारे फूफा जी दूर के रिश्ते में अनुपलाल बाबू लगते थे, वो भी खड़े थे। मैंने एक वोट नवल किशोर ऋषि देव जी का सिर्फ लालू यादव जी को दिलवाया, एक वोट से वो चुनाव। 8,000 वोट से हम चुनाव हार गए थे। लालू यादव ने मुझे फोन किया कि पप्पू जी हम चाहते हैं, स्वाभाविक है, मैं जानता हूं मधेपुरा का जो मिजाज है, मधेपुरा का जो रिश्ता है वो दोनों रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ, आधे रिश्ते पप्पू आधे रिश्ते उनकी फीलिंग के साथ। हम उसके बाद बाय इलेक्शन लड़े, कोई चुनाव हार नहीं रहा था, फिर बाय इलेक्शन में हम जीते, फिर हम सजा हो गई 20 सालों तक। शरद यादव जी जदयू और भाजपा के यहां पर एमपी थे, राजद का एक भी आदमी शरद यादव को चुनाव हरा नहीं सका। फिर लालू यादव जी ने पप्पू यादव से कहा कि एक बार आप पूर्णिया छोड़ दीजिए, जब हम निकल के आए पूरा लोग चाहता था कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़े क्योंकि वहां उस वक्त सांप्रदायिकता की आग लगी हुई थी, लेकिन हमने छोड़ दिया पूर्णिया और हम मधेपुरा चुनाव लड़े। जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो किन्हीं को 90,000 के नीचे चुनाव जीतता है, कोई 1,00,000 के नीचे। हम जब भी चुनाव लड़े अगले बार, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मंगल हो, भानुक हो, चौधरी हो, भूनिया हो, जायसवाल हो, चाहे वो कुमार हो, चाहे निषाद हो, चाहे राम हो, पासवान हो, चाहे वो ऋषिदेव हो, चाहे वो मासी हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे मंगलारी हो, 20% 10% सभी वर्गों का पप्पू यादव के साथ लगाव रहता है। बचपन से मैंने रिश्ते बनाए, आप पे नक्षत्र मुलाकात के बाद कई सारी लड़ाइयां मैंने देखी इस कोसी सीमांचल, आप पे से लेकर के घर घर रिश्ता, बांध के भीतर का रिश्ता, बांध के भीतर का रिश्ता, लोगों ने बेटे की तरह हमेशा पप्पू का खड़ा किया। हम जब भी संकट में रहे मधेपुरा और पूर्णिया ने हमेशा हर बुजुर्ग ने अपने बेटे की तरह पप्पू यादव के पीछे बिना ताली बजाए ताली नहीं बजाए बिना चार भर मजाक के समय लोग खड़े हुए। 20 साल के बाद शरद यादव जी यहां से हारे। शरद यादव जी कब अलग हुए? जब जनता दल यू के नीतीश कुमार ने शरद यादव को राष्ट्रीय
एक बापू यादव है, हमने कभी नहीं निकले, हम वो निकाल रहे हैं साजिश के तहत। याद कीजिए चौधरी चरण सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? अजीत सिंह नहीं बने थे, नारायण सिंह बने, कर्पूरी ठाकुर जी का उत्तराधिकारी धीरेन्द्र नहीं बने थे, रामनाथ नहीं बने थे, लालू यादव बने, क्योंकि लालू यादव जी ने, नीतीश जी ने, रामविलास जी ने कोई उनके विचारों के साथ लगा कि वो चल रहा है तो हमारा कोई उत्तराधिकारी हो। हम लालू यादव जी याद कीजिए तो आप 1884 के वो दिन जब आप आ रहे थे छपरा से, मैंने कभी नहीं कहा पप्पू यादव अपनी जान पर जोखिम डाल रखा था आपके, 100-100 गोलियां चल रही थी, अकेला हम थे आपके साथ, वो दिन हम कभी आज तक हमने नहीं कहा। और आज हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था, हमने कौन सी गलती की, हम भी तो जानते कि पप्पू यादव के लिए आपने जहर खाना शुरू कर दी, किसने खाया मुझे नहीं लगता। ये हालात के दिलासे यादव होते तो इस तरह की परिस्थितियां हमारी सीटिंग सीट कही यहां, हमें हमारे भगवान ने हमको यहां से बेटे के रूप में चुना। 5 साल में मैंने क्या किया, 5 साल में आपसे, आपके घर से हमने अपना आपके चरण पर समर्पण किया, आपके सगे बेटे की तरह आपके लिए जीना शुरू किया, आपके भाई की तरह हमने आपसे मुस्कुराना शुरू किया, आपके आंगन की परछाई हमने बनी, आपके रसोइयों के घर में जाकर हमने बैठना शुरू किए, आपके दस्तरखान पर हमने बैठना शुरू किया। किसी दलित और मुसलमानों को रहना लगा कि पप्पू मेरे जिगर का टुकड़ा नहीं है। गुजरात में जब दलितों पर हमला हुआ सबसे पहली लड़ाई पप्पू यादव, बिहार में जितना दंगा हुआ अकेला पप्पू यादव ने, यहां तक कि रोसड़ा के साथ ही यहां है, रोसड़ा में तो पप्पू यादव को मारने की साजिश हो गई। अकेला दंगा में हम जब मस्जिदों को तोड़ दिया गया, आज तक नीतीश और विपक्ष नहीं गया। जब सीतामढ़ी में जितना दंगा किया मुसलमानों को, अकेला पप्पू यादव ने अकेला पूरा घर का घर सुहा कर दिया। भागलपुर में दरबारे और गोली चल रही थी, उस बीच में अकेला पप्पू यादव एक बार जो लोग चुनाव लड़ने आए हैं उनसे आप अपने गांव में पूछिएगा, सरजी
समाधि सरद जी लोगों की जरूरत है रोकी, सरद जी लोगों की जरूरत है नौकरी। आपकी सरकार 15 साल रही नीतीश जी के साथ रहे, क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्या हुआ फैक्ट्री का? 40,000 करोड़ की फैक्ट्री जब पप्पू यादव लाया, कुछ लोग कहे लालू यादव ने, मैं मानता हूं हर लोगों की भागीदारी होती है। मैं नहीं कह सकता हूं, मैं ऐसा घोटक नहीं हूं नरेंद्र मोदी जी के तरह। ये 4 साल में अपने मियां मिट्ठू बन जाओ। मिराज, अर्जुन टैंक, बोफोर्स, ये सारी 70 सालों की देन है। नरेंद्र मोदी जी, 4 साल में आपने एक चीज खरीदी खरीदा। 5 साल पहले आए कांग्रेस को गाली, 5 साल बाद भी कांग्रेस को गाली। आपने क्या किया वो सवाल बताना चाहिए। जरा ध्यान दें, नीतीश जी से पूछिए ना, हर रोज की फैक्ट्री बंद क्यों हो गया? शरद यादव जी, आप लोग 5 रेल मिनिस्टर थे, 13 साल पहले ब्रॉडगेज बनी ललित बाबू के बाद 3 रेल लाइन छोड़ के चौथा रेल लाइन नहीं बना कभी, आज तक नहीं बना। पहला ब्रॉडगेज रेल लाइन बचा सहरसा में हस्तुक होते हुए, सेकेंड ब्रॉडगेज अभी पप्पू यादव और रजित रंजन के समय में सुपौल और सहरसा बनी। पहली बार निर्मल भक्त के निर्माणी भक्त आई ललित बाबू के समय, वो बंद है। पहली बार अररिया से गलिया बड़ी रेल लाइन की शुरुआत, पहली बार कुशेला से बिहारीगंज बड़ी रेल लाइन की शुरुआत, पहली बार ब्रॉडगेज लाइन बिहारीगंज से पप्पू यादव के समय, पहली बार बिहारीगंज से भीमनगर का सर्वे और बिहारीगंज से बख्तियारपुर का सर्वे और कुशेश्वर स्थान की शुरुआत, 2 बड़ी रेल लाइन बनना शुरू हो गया। 13 साल पहले 3 मिनिस्टर आए, वैशाली लाइफ लाइन थी बिहार की, सब लोगों ने कहा वैशाली आनी चाहिए। आश्चर्य होगा आपको, 13 सालों तक वैशाली सहरसा नहीं आ पाई। कब आई वैशाली? गडकरी जी यहां आए जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, क्या कहा यहां? बोला पप्पू और रंजीत जैसा सांसद हमने अपने जीवन में नहीं देखा। ताली मत बजाइए। क्या कहा? सुशील मोदी बगल में थे, नंदकिशोर यादव विधायक थे, वो वीडियो आप पर भेजा हुआ है, किसकी सर्टिफिकेट की है? नारा मत लगाइए, नारा ना, नेताजी नारा नहीं साहब का, ए नारा नहीं, ए नवरता महसी नरेश उसको रोकिए, ए बबलू रोका, बबलू पासवान जी रोकिए, नंदा जी रोक दीजिए, रोक रुकाना पड़ता है। हम कह रहे थे आपसे, ए रुकिए सामने सुनने दीजिए, ए रुकिए, तू बोला रोके छिए, अरे भैया ऐसे मत कीजिए, मैं फैसला करता हूं। फिर क्या हुआ हम आपसे जानना चाहते हैं। दो हम सफर, क्या कारण है नित्यानंद यादव के क्षेत्र से हम सफर नहीं चली? क्या कारण है राधा मोहन सिंह के क्षेत्र से हम सफर नहीं चली? क्या कारण है आर के सिंह के क्षेत्र से हम सफर नहीं चली? क्या कारण है सुशील मोदी के पार्टी पुत्र से हम सफर नहीं चला? कोशिश से ही हम सफर क्यों चली? एक बॉम्बे के लिए, एक दिल्ली के लिए, मैं बीजेपी के साथियों का सम्मान करता हूं, मैं राजद के सभी वर्ग का सम्मान करता हूं, मेरे परिवार है। आप बोलिए, आप मेरे खून हैं, मेरे घर के हैं। जब आप आते थे कि मेरा परिवार बीमार है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, पप्पू यादव नहीं देखा, आप राजद के हैं कि बीजेपी के? एक ही के बड़े नेता थे, कल हमने देखा वो लाते लेके खड़े थे, लेकिन जब उसकी बच्ची की शादी की बारी आ रही थी तो शायद शरद यादव मिलने से इनकार कर दिए, और उनकी बेटी की शादी वो पप्पू यादव अपनी बेटी के तरह बड़े बाप के तरह किया। कौन ऐसा घर है, कौन ऐसे घर के वर्कर है जिसने कहा पप्पू जी मुझे ये चाहिए, मैंने वो मदद नहीं की? जिसने कहा पप्पू जी मुझे न्याय चाहिए? कोई कह रहे कि पप्पू यादव ने कोई ऐसे व्यक्ति कि जहां हाथ दिए वहां पप्पू यादव ना दबे? कहा पप्पू के एक बच्चा, एक बूढ़ी मां रुका,
वहां रुके, वहीं पर मैंने बातें शुरू की। जनहित थे 13 साल के बाद रात में जनहित चला, एसी सेकेंड एसी थर्ड, रात की ट्रेन पटना की नहीं थी, हाटे बाजारे मधेपुरा मुंडली रखो के सहरसा का हाई वोल्टेज स्टेशन, मधेपुरा का बड़ा स्टेशन, मुरलीगंज और मठाई का बड़ा स्टेशन, हर प्लेटफॉर्म छह से बड़ा स्टेशन, 3200 करोड़ का थर्मल पावर, पहली बार गडकरी जी ने मुझको हाइडिंग दिया बाढ़ से मुक्ति के लिए। कहा पप्पू यादव बड़ी लड़ाई है, 88 में पप्पू यादव को सीआरपी ने बाकी चलाया था, 86 में पप्पू यादव पर नेपाल में गोली चली थी 750 करोड़, नेपाल पेमाला दी और पप्पू यादव राम नारायण यादव जिंदा है वहां के राष्ट्रपति, इसी मधेसी की लड़ाई और हाईटेक की लड़ाई के लिए 4 आदमी पटना के मारे गए थे, हम बचे थे। राम नारायण यादव के घर को मुझे बचाना था, राष्ट्रपति बने, हाईटेक की लड़ाई पप्पू यादव की 86 से थी, मैंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। उस दिन बोला हाई डे हम बनाएंगे, उस दिन बोला कि हम कोशिश से जलमार्ग तय कर दिए हैं, रंजीत रंजन जलमार्ग और सेंट्रल स्पीड के लिए लड़ते हैं, इनोथॉप की फैक्ट्री रंजीत रंजन के यहाँ 1300 करोड़ की, ये इनोथॉप क्या होता है उसका गंगा जी ने आपको बताया, मक्का और पैचिडो पर आधारित हर किसान किसान होगा, 40,000 करोड़ की फैक्ट्री, सहरसा और बैजनाथपुर के बीच की जमीन 2,04,00,000 रुपया का था, 20,00,000 रुपया का था, 40,00,000 रुपया का था, 20,000 नौजवानों को नौकरी और मैंने व्यवसाय पर भेज दिया है। लालू जी नरेंद्र मोदी जी, यदि आप ने नीतीश कुमार जी एक नौकरी दिखा दीजिए किसी युवा का अपने द्वारा, नीतीश नरेंद्र मोदी जी आपके आने के बाद 2,73,00,000 युवक बेरोजगार कर दिया, 20,000 लोगों की नौकरी अकेला पप्पू यादव 5 साल के अंदर, नीचे सिटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ऐसे कई साथी फैक्ट्री में लोकल लगातार लड़ाई, आपने कभी सोचा 15 साल 20 साल रहे मधेपुरा, आप कीर्ति मिनिस्टर है 85 साल में आप लड़ने आए, आप मधेपुरा लड़ने आए, शरद जी आप बड़े नेता थे कहीं से ला सकते, आप अपने क्या ये लालू जी एक पंथ क्या ये किसी घटक ने एक पंथ दो पास को नहीं कर दिया, आप समझ नहीं सके। हमने कई बार शरद जी को खबर भेजवाया, आप भी शरद जी हम दोनों सभा में मिलते हैं तो कल छूटा पूछ लीजिएगा, कोई मिले तो पूछेगा 3 महीना पहले पैर छूटा, जय बाबा मिले शरद जी पैर छुआ, मैंने कहा शरद जी मधेपुरा मेरा घर है, हमें पैदा किया, आप राज्यसभा में राज्यसभा चले जाइएगा, आप बड़े नेता हैं लेकिन इस्तेमाल हो हमें आश्चर्य लगा, हम चुपचाप रहे, हमने नहीं कहा। कुछ लोग